रेडियो सिटी 91.1 पर बरका 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 लेडीज फर्स्ट लाइक बरका। हाय नमस्कार प्रणाम, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हो कैसे खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि कई बार आजू बाजू की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डीमोटिवेट कर देती हैं। तो कैसे खुद को अपने जहाँ पे ऑफिस एरिया वहां पे हम पॉजिटिव माहौल बना के रखें और बस खुद की तरक्की पे फोकस करें। आइए कुछ एक बातें जो मैं पॉइंट्स लिख के रखी हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला तो ये कि शॉर्ट टर्म गोल्स होने बहुत जरूरी है। अब देखो, आप अचानक से अगर एक पहाड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो आपको क्या लगेगा, यार ये पहाड़ इतना ऊंचा है मैं कैसे चढ़ूंगा। तो धीरे धीरे ना, स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए ऑफिस में कि आज आपको इतना काम करना है, कोई एक प्रोजेक्ट मिला है ना, आज उस प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा आपको कंप्लीट करना है और उतने हिस्से को कंप्लीट करके ही जाइए। देखिए धीरे धीरे कैसे आप पूरे पहाड़ पे चढ़ जाओगे। दूसरी बात, रीडिंग, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब भाई नौकरी में आगे क्या पढ़ेंगे, सिलेबस केमिस्ट्री फिजिक्स, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप पढ़िए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करता है। आप सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, आप मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात ना, कि अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करें। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय पीने जाते हो अपने ऑफिस, अपने कलीग्स के साथ चाय पीने जाते हो, तो वहां पे चाय पी के 10 मिनट में आ भी सकते हैं ना, लेकिन फलाने की लाइफ में क्या हो रहा है ढिमकाने से डिस्कस करने की क्या जरूरत है। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप अपने ऑफिस वर्किंग आवर का बहुत सारा टाइम उधर स्पेंड करते हो और इससे क्या होता है कि जब छुट्टी का टाइम होता है तो आप सारे काम लेके बैठ जाते हो और फिर आपका वर्क लाइफ भी बैलेंस नहीं हो पाता। एज अ रिजल्ट आप घर लेट से जाते हो तो घर में भी सारी चीजें बैलेंस नहीं होती, तो इसका ध्यान रखें। चौथी बात, आप क्या करें कि आप ना अपनी छोटी छोटी तरक्की पे, छोटी छोटी चीजें जो आपने अचीव कर ली हैं, खुद को ऐसे शाबाशी दें कि वाह आज तुमने ये काम किया। खुद को शाबाशी दें, खुद को पैम्पर करें, खुद को गिफ्ट दें। आपको लगेगा कि यार छोटे छोटे से अचीवमेंट्स के लिए आप खुद की बड़ाई करें, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप टाइम टू टाइम एक ब्रेक जरूर लें, कहीं घूमने जरूर जाएं। हो सकता है आपके बॉस लोगों को लगेगा यार ये बरखा मेरे एम्प्लॉयज को भड़का रही है, छुट्टी पे भगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब ब्रेक लोगे, आप घूम के आओगे ना, तो लौट कर आओगे ना ज्यादा एनर्जी के साथ काम करोगे। तो बॉस जी आपके लिए भी ये बात सही है, अगर आपका एम्प्लॉय छुट्टी लेने आ रहा है कि सर मैं घूमने जाना चाहता हूँ, तो प्लीज आप नहीं तो आप धक्का मार के भेजो, भाई 6 महीने हो गए तो अभी तक गया नहीं, जा ब्रेक लेकर आ। तो इन बातों को अगर आप फॉलो करोगे ना बहुत आगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली लेकर आई थी तो मैं 5 बातें, लेकिन हमारे कल्चर में एक मगनिया नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तो मगनिया वाली टिप ये है कि ना आप क्या कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, डे बाय डे आप कितना ग्रो कर रहे हो। खुद से खुद को जज करना, खुद से खुद को मार्क्स देना बहुत जरूरी होता है। तो जिस दिन आप ये बातों को फॉलो कर लोगे ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं।